भाई श्री विजयभाई रूपाणी, मंच पर बैठेला सब आगेवानो अने विशाल संख्या में पधारेला वाला भाईओ अने बहनो, आ बधी बहनो बहु मोटी एक राखड़ी बनाईने आवी लागे छे। दो तीन दिन के बाद रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार और आप सब बहनें इतनी बड़ी रक्षा की राखी लेकर के आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और देश भर की माताओं बहनों ने आशीर्वाद देकर के जो मुझे रक्षा कवच दिया हुआ है, आशीर्वाद दिए हुए हैं, इसके लिए मैं इन सभी माताओं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रक्षाबंधन का पर्व सामने हो और गुजरात में 1 लाख से भी अधिक परिवारों को, बहनों को उनके नाम से अपना घर मिले, मैं समझता हूं रक्षाबंधन का इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। जिन बहनों को आज घर मिला है, घर न होना उसकी पीड़ा क्या होती है, जिंदगी कैसे गुजरती है, भविष्य कैसा अंधकारमय होता है, हर सुबह एक सपना लेकर के उठते हैं, शाम होते होते सपना मुरझा जाता है, वही झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी होती है। लेकिन जब अपना घर होता है तो सपने भी सजने लगते हैं और फिर सपने भी अपने बन जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा परिवार, अबाल वृद्ध सब परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है और जिंदगी बदलना शुरू हो जाता है। इस रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के पूर्व इन सभी माताओं बहनों को, 1 लाख से भी अधिक परिवारों को ये घर की सौगात देकर के आपके एक भाई के रूप में मैं बहुत संतोष अनुभव कर रहा हूं। आज एक और दूसरी योजना भी 600 करोड़ रुपये की, वह योजना भी एक प्रकार से रक्षाबंधन के पावन पूर्व के पूर्व हमारी माताओं बहनों को ही भेंट सौगात है। पानी का संकट सबसे ज्यादा अगर परिवार में किसी को झेलना पड़ता है तो माताओं बहनों को झेलना पड़ता है। पूरे परिवार के लिए पानी का प्रबंध हमारे घरों में आज भी माताओं बहनों को करना पड़ता है और पीने का शुद्ध जल न होने के कारण एक प्रकार से घर जिंदगी बीमारी का भी घर बन जाता है। पीने का शुद्ध जल परिवार को अनेक बीमारियों से बचाता है। मैंने सालों तक, मेरी जवानी के कई वर्ष इस आदिवासी इलाके में गुजारे हैं। मैं जब धर्मपुर सिदुम्बर इस पत्ते में रहता था तो मन में एक हमेशा प्रश्न उठता था कि इतनी बारिश यहां होती है,
लेकिन दिवाली के बाद दो महीने से ज्यादा पानी नहीं बचता है और फिर पानी के लिए तरसना पड़ता है। और मुझे बराबर याद है उस समय धर्मपुर में, सिदमपुर, सारे बेल्ट में सारे इस आदिवासी, इधर कपड़ा से लेकर के उमरगाम से अंबाजी तक पूरे आदिवासी में बारिश वहां ज्यादा होती है और सारा पानी हमारी तरफ, दरिया की तरफ, समंदर की तरफ चला जाता है, वो सारे इलाके बिना पानी के रह जाते हैं। और जब मैं मुख्यमंत्री था तब हजारों करोड़ रुपयों से तय किया था कि उमरगांव से अंबाजी तक सारे आदिवासी बेल्ट, जो गुजरात का पूर्वी छोर है, हर गांव को, हर घर को नल से जल मिले, ये सपना देखा। जो फिल्म दिखाई गई उसमें बताया गया 10 योजनाएं, आज उस आखिरी योजना का काम भी प्रारंभ हो रहा है। जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी उनके लिए भी आश्चर्य होता होगा, सबसे ऊपर जहां पानी पहुंचने वाला है वह 200 मंजिले मकान की ऊंचाई पे जितना पानी पहुंचाते हैं इतना पानी ऊपर ले जाएंगे। यानी एक प्रकार से नदी 200 मंजिला ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहां से पानी नीचे लोगों को पहुंचेगा। ये टेक्नोलॉजी का मिरेकल है। हमारे देश में किसी दूर सुदूर गिर के जंगलों में एक पोलिंग बूथ एक मतदान के लिए होता है, एक मतदाता और एक पोलिंग बूथ। सारी दुनिया में वो बॉक्स आइटम बन जाती है कि हिंदुस्तान की चुनाव प्रक्रिया ऐसी है कि गिर के जंगलों में एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहां सिर्फ एक मतदाता है, लेकिन वहां भी चुनाव प्रबंधन होता है। मैं समझता हूं ये भी एक अजूबा बन जाएगा कि एक गांव ऊपर 200-300 घरों की बस्ती, लेकिन इनको पानी पहुंचाने के लिए एक संवेदनशील सरकार 200 मंजिला तक पानी को ऊपर ले जाए। हर नागरिक के प्रति हमारी भक्ति कितनी है इसका ये जीता जागता उदाहरण। पहले भी सरकार रही, आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे, और जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था तो मुझे पहले जो आदिवासी मुख्यमंत्री रहे थे उनके गांव में जब मैं गया, पानी की टंकी थी लेकिन पानी नहीं था। उस गांव को पानी देने का काम भी सौभाग्य मुझे मिला था। अगर कोई पानी की परब बना देता है राहगीर के लिए, अगर एक दो मटके रख देता है और पानी की व्यवस्था करता है, तो भी सालों तक उस परिवार को बड़े आदर और गर्व के साथ देखा जाता है। आज भी लाखा बणझारा की कथाएं, जिसने पानी के लिए काम किया, गुजरात और राजस्थान में गांव गांव के जीवान पर है। क्यों? किसी ने पानी के लिए काम किया था। आज मुझे गर्व है कि गुजरात सरकार घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जो अभियान चला रही है वो अपने आप में हमारा गुजरात आगे चल करके कैसा हो, गरीब से गरीब की जिंदगी कैसी हो, कैसे हमारे सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास क्या है, ये नजर आता है। आप सबने देखा होगा, मुझे आज एक प्रकार से आधे पौने घंटे में पूरे गुजरात की सैर करने का मौका मिल गया। हर जिले में गया, वहां की माताओं बहनों से बात करने का मौका मिला। मैं बात तो सुनता था लेकिन मेरी नजर उनके घर पर थी, कैसा घर बना है। आपने भी देखा होगा
कि आपको भी लगता होगा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी योजना के इतने अच्छे मकान भी हो सकते हैं क्या? ये इसलिए संभव होता है क्योंकि कटकी कंपनी बंद है। दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गरीब के घर में पूरे पूरे 100 पैसे पहुंच जाते हैं, इसलिए ये संभव होता है। और इस सरकार में हिम्मत है कि इतने टीवी वालों की हाजिरी में, इतने अखबार वालों की हाजिरी में, इतनी बड़ी जनमेदनी के सामने, और जब पूरा देश टीवी पर देख रहा है, तब हिम्मत के साथ किसी मां को पूछ सकता हूं कि आपको किसी को रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, किसी ने दलाली तो नहीं ली है। हम उस चरित्र के निर्माण के अंदर लगे हुए हैं, और मुझे खुशी हुई जब वो मां बहने बड़े आंख में दिखता था, बड़े संतोष के साथ कह रही थी, जी नहीं, हमें अपना हक का मिला है, नीति नियमों के तहत मिला है, हमें किसी को एक नया रुपया भी देना नहीं पड़ा है। उन मकानों को आपने देखा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन मकानों की क्वालिटी जब हम देख रहे थे, तो आपको भी लगता होगा कि क्या बात है, सरकार के ऐसे मकान हो सकते हैं क्या? ये सही है कि सरकार ने धन दिया है, लेकिन सरकार के पैसों के साथ उस परिवार का पसीना भी इसमें लगा है, और उसके कारण उसने खुद ने मकान कैसा हो तय किया, कौन सा मटेरियल उपयोग करेंगे परिवार ने तय किया, मकान कैसे बनाएंगे खुद ने तय किया, सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों के भरोसे हमने काम नहीं किया, हमने उस परिवार पर भरोसा किया। और जब परिवार अपना घर बनाता है तो उत्तम से उत्तम बनाता है, और मुझे खुशी है कि गुजरात के हर गांव में इन परिवारों ने नमूना रूप उत्तम घर बनाए हैं, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। देश को गरीबी से मुक्ति का एक बड़ा अभियान हमने चलाया, लेकिन गरीबों के सशक्तिकरण के द्वारा चलाया। बैंकें थी, लेकिन बैंक में गरीब को प्रवेश नहीं था, हमने बैंक को ही गरीब के घर के सामने लाकर के खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। गांव में रहीश घर में ही बिजली का कनेक्शन हुआ करता था, गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन पाना तो उसको तो आश्चर्य होता था, क्या मेरे घर में भी अंधेरा जाएगा क्या? आज उजाला योजना के तहत हर घर में, सौभाग्य योजना का योजना के तहत हर घर में बिजली का कनेक्शन देने का बड़ा अभियान उठाया है, और आने वाले 1-1.5 साल में हिंदुस्तान में कोई घर नहीं बचेगा जहां खुद का बिजली का कनेक्शन न हो, बिजली का लट्टू न। घर हो, घर में शौचालय हो, बिजली हो, पीने का पानी हो, गैस का चूल्हा हो, एक प्रकार से उसकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन का एक प्रयास चल रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहन, आपने मुझे बड़ा बनाया है, आप गुजरात में लोगों ने मेरी परवरिश की है, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और आप लोगों से जो मैं सीखा हूं उसी का परिणाम है कि सपने बड़े समयबद्ध तरीके से पूरे करने का प्रयास कर रहा हूं। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना है। अब तक खबरें आती थी नेताओं के बड़े बड़े घर बनने की, अब तक खबरें आती थी नेताओं के घरों की सजावट की, अब खबरें आ रही हैं गरीबों के घर बनने की,
अब खबरें आ रही हैं गरीबों के घर की सजावट। ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो 1 लाख से अधिक घरों का वास्तु प्रवेश होता हो और उसमें शरीक होने के लिए बलसाड़ की धरती पर आकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी परिवारों के साथ उनके उत्सव उमंग में शरीक होता है। भाइयों बहनों, गत सप्ताह हमारे लिए बड़ा पीड़ा का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, लेकिन उनके नाम बनी हुई ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम भी हम समय सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर के चले। एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। यहां आपने देखा होगा स्किल डेवलपमेंट, दूर सुदूर आदिवासी जंगलों में रहने वाली बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए कैसे अवसर मिल सकते हैं, इसका मुझे प्रमाण पत्र देने का अवसर मिला। अपने आप में देश को समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है, देश के सामान्य से सामान्य मानवीय के सपनों को साकार किया जा सकता है और उसकी पूर्ति के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बलसाड़ के मेरे भाइयों बहनों, वैसे मेरा कार्यक्रम कुछ दिन पहले यहां आने का बना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। और बारिश भी इस बार कभी आती है तो बड़ी जोर से आती है, नहीं आती तो हफ्तों तक रुक जाती है। गुजरात में कुछ इलाके में तकलीफ भी हुई और कुछ इलाके में पानी आया भी नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो वर्षा हुई उसके कारण गुजरात के कई इलाकों में वर्षा की कृपा हुई है। आने वाला वर्ष भी बहुत उत्तम जाएगा, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं सभी बलसाड़ के प्यारे भाइयों बहनों, इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे रहे, जी जान से जुड़े रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री। तो वलसाड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं उन्हें प्रमाण पत्र बांटे, और साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि दिल्ली से निकला 1-1 रुपया गरीब तक पहुंच रहा है, अब बेईमानी बंद हो गई है, अब किसी को रिश्वत के पैसे नहीं देने पड़ते, बिना रिश्वत के काम होता है अब गरीब का, दिल्ली से निकला 1 रुपया पूरा का पूरा गरीब तक पहुंचता है, बीच में 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता, हमने बैंक को गरीब के घर ला दिया, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, सरकारी ठेकेदारों पर नहीं परिवार पर भरोसा किया सपनों का घर बनाने में, और ऐसे में परिवार वाले ही अपने लिए उत्तम घर बना सकते हैं, और इस तरीके से हर किसी को छत मुहैया करने का सरकार का सपना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वलसाड़ में प्रमाण पत्र बांटे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।